हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्थिर वैद्युतिकी के नोड्स के बारे में। यहाँ पे आपको फुल्ली हैंड रिटर्न से एक नोड मिलने वाला है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो PDF मैं अवेलेबल कराऊँगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे टॉपिक्स उसमें हम कवर करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नोड्स के बारे में। दोस्तों, ये जो नोड्स हैं ये आपका टोटल हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है ना। इसका जो लिंक है, डाउनलोड लिंक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन वो उस पर पिन डाला हुआ है, वो जो पिन है आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो PDF है आपको ये फुल्ली फ्री में मिलेगा, इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल कॉन्फिडेंस पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे एक रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दे रखा होगा, इस बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक बेल का आइकन दिखेगा, उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों, आप इस चैनल को क्यों सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोज़ जो है क्लास 11th एंड क्लास 12th के अलग अलग टॉपिक्स के वीडियोस मिलते रहते हैं, ठीक ना। तो अपनी स्टडी को प्रॉपर तरीके से करने के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और इस पे अब मैं इस चैनल को अगर आपको विज़िट करना है तो यहाँ पे आप प्ले लिस्ट के सेक्शंस में जाके यहाँ पे अलग अलग प्लेलिस्ट में जो वीडियोस है, अलग अलग चैप्टर्स के जो वीडियोस है वो अलग अलग प्लेलिस्ट में दे रखा है। तो आप प्लेलिस्ट वाइज जो है इस वीडियो से स्टडी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है ना। यहाँ पे फिलहाल इतने वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा जैसे अगर आप देखेंगे विद्युत सेल और किरचॉफ का नियम, तो इसमें भी हमने बहुत सारे वीडियोज़ कर दिए हैं। इसे आप अपने स्टडी को प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मैथ की स्टडी करना चाहते हो तो यहाँ पर भी आपको मैथ्स के भी वीडियोज़ मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ क्लास 12th, तो यहाँ पे आपको डेरिवेटिव्स के भी 48 मतलब 6.1 से लेके 6.5 एंड विविध एक्सरसाइज जो है इसमें हमने कवर कर लिया है। तो आप यहाँ से अपने स्टडीज़ को प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर बताइएगा। चलिए आते हैं PDF पे, बात करते हैं कि किस तरीके से आपको PDF डाउनलोड करना है और किस तरीके का PDF आपको मैं एक झलक दिखा देता हूँ। हेलो दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए इतने सारे PDF जो है हमने बना दिए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का PDF बन गया है, एटम का PDF बन गया है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य जो है इसका PDF बन गया है, ठीक है। इसके बाद आपका अल्टरनेटिंग करेंट प्रत्यावर्ती धारा का PDF बन चुका है, ठीक है। इसके बाद आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, चुंबकत्व, ठीक, ये सारे जो है PDFs मैं जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन सारे PDFs की जो नोटिफिकेशंस है वो आपको तुरंत मिल सके और आप उस PDF का फ़ायदा ले सकें। ये गॉसस थ्योरम एंड उसके एप्लीकेशंस के PDFs है, ये भी मैं अपलोड करूँगा। इसके बाद ये ऑप्टिक्स जो है ऑप्टिक्स के PDFs है, ये शॉर्ट नोट्स ऑफ चैप्टर सेकेंड चैप्टर के शॉर्ट नोट्स है, इसके भी PDFs मैं अपलोड करूँगा। इसके बाद अगर आप बेसिक मैथ्स में नंबर सिस्टम चाहते हैं, नंबर सिस्टम्स का भी PDF है इसमें, ठीक है ना। चैप्टर फर्स्ट जैसे ये वाला जो PDF है मैं ये आज अपलोड करने वाला हूँ। यहाँ पे इस PDFs में है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पे हमने पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कवर किया है, इसके अनुप्रयोग देख सकते हैं, यहाँ आवेश क्या है, ठीक ना, घर्षण विद्युतिकी क्या होता है, इसके बारे में हमने डिटेल से यहाँ पे बात करी है, ठीक ना। इसके बाद ये आप देख सकते हैं, इसके बाद हमने यहाँ पे बात करी है कि विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, इसको पूरे बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आप अगर इसको पढ़ेंगे एक बार तो आपको किसी अदर बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे आप कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जहाँ से आपके नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे अगर किसी भी चीज़ को अगर हम रब करते हैं, आपस में रगड़ते हैं, तो उसमें से कौन सा वस्तु जो है वो धनावेशित होगा, कौन सा ऋणावेशित होगा, तो उसके लिए एक छोटा सा आपके फॉर नॉलेज के लिए यहाँ पे दिया गया है। इसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा वस्तु पॉजिटिव होगा, कौन सा वस्तु नेगेटिव होगा, ठीक ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें विद्युत आवेश के मूल गुणों की बात करी गई है इसमें,
ठीक ना, कि उसके फंडामेंटल क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है उसकी बात करी गई है, ठीक ना। इसके बाद आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर हमने फोकस डाला है कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है और इसको किस तरीके से आपको पेपर में लिखना है, ठीक ना। इसके एग्जाम्पल्स दिए गए ये। इसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए जो कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे गुलाम के नियम की, ठीक ना, गुलाम का नियम क्या है और उसको किस तरीके से आप प्रूफ करेंगे, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट किया आता है जिसका प्रवैधतांक होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परमिएबिलिटी जो विद्युतशीलता है, शायद ही आपको कोई इसका डेफिनेशन बताता है। देखिए परमिटिविटी मतलब विद्युतशीलता का मतलब है किसी माध्यम का वह गुण जो उस माध्यम में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर उस माध्यम द्वारा प्रदर्शित विरोध की माप को बताता है और इसे प्रदर्शित करता है। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया है, शायद ही इसका एक्सप्लेनेशन आपको किसी बुक में मिलेगा, किसी बुक में आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा नहीं मिलेगा और कोई आपको इसका एक्सप्लेनेशन नहीं बताएगा। तो बहुत ही बढ़िया नोट्स से अगर आप चाहते हैं कि ये नोट्स आपको मिले तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके गूगल ड्राइव से इस पीडीएफ फॉर्मेट को डाउनलोड कीजिए और उसको प्रिंट कीजिए और इस पीडीएफ का फ़ायदा आप ले सकते हैं। दोस्तों आपको अगर ऐसे ही पीडीएफ्स और चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट्स करता है, आपका एक शेयर हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें मोटिवेट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोज़ हम लाते रहें, नए नए पीडीएफ्स आपके लिए हम अवेलेबल्स कराते रहें। फिर मिलेंगे नए पीडीएफ के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सुप्रभात।